मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्या सोच आई कि वे फटाफट अपने आवास से काटाटोली चौक पहुंचे और वहां पर फ्लाईओवर निर्माण के काम की प्रगति की जानकारी ली। उनके कार्यक्रम को देखते हुए निर्माण कंपनी के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, साथ ही जिला प्रशासन के भी अधिकारी वहां पर आ गए थे। अब हमें इसके ऊपर कैप बनानी है, कैप बना करके डायरेक्टली लेकर कैप का काम उधर चालू कर दिया है। अगर आप उधर जाएंगे तो उधर देखने को मिल सकता है, इधर पाइलिंग चल रहा है, इधर कैप का चल रहा है। जो बीच वाला पोर्शन होता है सर, जो निकलता है वो कैप का पोर्शन। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी के अधिकारी ने किस तरह से जानकारी दी और क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने इसके बारे में जो रिपोर्ट है, इसके बारे में जो मैप है, वो सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहते थे। तो निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें सारी चीज़ें बताई। मुख्यमंत्री आगे बढ़ते गए और जो काम चल रहे हैं, जो पाइलिंग का वर्क चल रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने पूछा। काटाटोली चौक के पास सबसे अधिक जाम लगा रहता है, ट्रैफिक की व्यवस्था काफ़ी जटिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक को कम से कम परेशान होना चाहिए, लोगों को परेशानी कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और उनके सचिव यानी नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे भी थे। मुख्यमंत्री ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा और जो पाइलिंग के काम हो रहे हैं उस जगह पहुंचकर चीज़ों को समझने की कोशिश की, किस प्रकार से छड़ का उपयोग हो रहा है और कितनी गहराई दी गई है, एक पिलर की गहराई ज़मीन के अंदर कितनी है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने इंजीनियर से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कई निर्देश भी दिए कि अगर कहीं कोई समस्या है, लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो बेहिचक वे बोलें, लेकिन क्वालिटी से कहीं भी समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने निर्माण कंपनी के अधिकारियों को कहा कि समय पर यह काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ज़्यादा दिनों तक परेशानी में रखना अच्छी बात नहीं। इस प्रकार से मुख्यमंत्री ने काफ़ी समय यहाँ पर दिया और चीज़ों को समझने का प्रयास किया। एक काटाटोली चौक है और इसी को सहूलियत करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से प्लान किया गया है। यहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है और इसी का थोड़ा अवलोकन करने के लिए हम आए हैं। और वर्तमान स्थिति में बहुत 100% कंफर्टेबल तो नहीं, कुछ कंफर्टेबल जरूर इनको मिले, ये हम लोग का प्रयास रहता है और सारी कंपनियों को भी ये निर्देश है। और इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ आए हैं और चूँकि समयबद्ध तरीके से ये सब काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये हम लोग लक्ष्य बना कर चलते हैं। देखिए ये काम बहुत पहले से चल रहा था, कई ऐसी चीज़ें थी जो और भी समस्या पैदा होता, लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इसका फिर से रीडिजाइन किया गया है और रीडिजाइन कर ये काम फिर से प्रारंभ हुआ है। और जो होता है घर बनाने में फाउंडेशन में थोड़ा वक्त लगता है, फाउंडेशन से ये बाहर आ जाएगी तो बहुत जल्दी। राष्ट्रपति